मैं हूँ एहसान अली शेख, आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सभी बड़ी खबरों पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के बराही गांव में, और यहाँ पे जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 के जो प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ मौजूद है, और उनके साथ में उनके सहयोगी भी मौजूद है। आइए डायरेक्ट इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का, और ये इनका जो चुनाव से पहले समाज सेवा में क्या रुचि रहा है खुद जानते हैं मधुरेंद्र जी के जुबानी। तो मधुरेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में जानकारी दीजिए, जनता देख रही है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए आप। सर मैं राम तो महेंद्र कुमार शाह हुआ भाई, मैं बिहार 26 से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ, और मैं इससे पूर्व में पंचायत समिति रह चुकी है मेरी पत्नी, उस माध्यम से मैं समाज में बहुत काम करवाया और संघर्ष करते रहते हैं ब्लॉक थाना ये सब जगह, जो समाज को समस्या होती है उसको लेकर मैं आगे तक जहाँ तक मेरा सीमित पोस्ट था उस जगह सोचते थे, अपना समस्या का समाधान समाज के बीच करवाते थे। और आगे अब जिला परिषद में आ गए हैं, पिछले बार भी लड़े थे, थोड़ा उस समय कम मैंने पीछे हो गए, इस बार जनते जनार्दन मालिक मतदाता मालिक लोग हमको थोड़ा उत्साह चुनाव लड़ने के लिए लड़े, और मेरा यही मकसद है कि पहला मकसद है तो मेरा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना इस क्षेत्र को, जो 26 में 6 पंचायत आती है उसको हम मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर या इस जो भ्रष्टाचार लिप्त है जैसे इंदिरा आवास में घोटाला, लेटरिन में घोटाला, दलाली, हाँ नल जल में है, ये सब जो है कमीशन खोरी है, उसका पहले हमको बंद करना है। और इसके लिए हमको पटना तक आवाज़ उठाना पड़े, जिला में उठाना पड़े, अध्यक्ष के पास, मंत्री के पास, जहाँ उठाना पड़े वहाँ तक मैं ले जाऊँ। जिला परिषद का उद्देश्य होता है कि जिस तरीके से जो आपके अंदर कितना पंचायत आता है, 6 पंचायत आता है, तो 6 पंचायत में किस तरह जो विकास का नैया डूबा हुआ है, लोग किस तरह परेशान हैं, तो उसमें जिला में जाकर चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे DM हो, उसमें इस मुद्दा को उठाकर वहाँ ले जाना, तो इसमें कितना रोल निभाएंगे आप? इसमें 100% रोल निभाएंगे। जो समस्या होगी जो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ हम लोग को तो ये नहीं है कि नाना लाई करना है, पंचायत से पंचायत को हमको जुड़ना है, जिला परिषद का यही काम है। और जो जनता की समस्या होगी जैसे नाला हमारा मुखिया जी नहीं बना रहे हैं या वार्ड सदस्य नहीं बना रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो मैं अपना चेयरमैन के पास इसको रखेंगे, मंत्री होगा, विधायक होगा, उनको कहेंगे कि भाई ये हमारा जनता के बीच में समस्या है 6 पंचायत में, इसका आप निदान कीजिए, भाई उनसे आप संपर्क कीजिए कि क्यों नहीं बन रही है। और बहुत से ऐसे जनता है, युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, वो इस चीज़ से उन जानकारी नहीं है उन लोगों को कि जिला परिषद असल में होता क्या है, तो उसमें क्या करेंगे? जिला परिषद का काम है कि जनता को जागरूक करना, तो उसमें जो महिलाएं हैं और बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको नॉलेज कम होता है, तो जिला परिषद के बारे में उनको कैसे समझाएंगे? जिला परिषद के यही समझाएंगे कि एक जिला परिषद एक जिला में बैठने वाले लोग होते हैं, और यहाँ मुखिया होंगे, 9 समिति होंगे, इससे ऊपर उनका पोस्ट होगा। यदि आपकी समस्या की कोई कमी है, यदि कोई जनप्रतिनिधि पंचायत का जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है आपकी बात, तो आप जिला परिषद को संपर्क में आइए, जिला परिषद संपर्क आपसे करेगा, फ़ोन नंबर है उससे आप संपर्क कीजिए, इसका निदान आपको हम दिलवाएंगे, आपसे समझेंगे कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या को लेकर मैं जिला में ले जाऊँगा, चेयरमैन के सामने रखूँगा और उनसे कहेंगे कि सर ऐसा ऐसा हालत है, ऐसा ऐसा कोई गरीब गुरबा अनपढ़ है, उनको जानकारी नहीं है, उस माध्यम से हम उनको जानकारी दे रहे हैं और उनको दिए हैं, आप उनका समस्या का समाधान कीजिए। हाँ, तो आपका प्राथमिकता होगा लोगों को जिला परिषद के बारे में जागरूक बनाना, उनको मैसेज देना। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे मेरे साथ कुछ युवा है, उनसे भी जान लेते हैं कि जैसे मधुविंदर जी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं चुनाव, तो इनका क्या ख्याल है? तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विकास कुमार, जोर से बोलिए। सर मेरा नाम विकास कुमार हुआ। तो मधुविंदर जी जिला परिषद में खड़े हुए हैं, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस बार सारा युवा एक कमेटी बनाए हैं और सारे घर घर गांव गांव जाकर हर क्षेत्र में जाकर जिला परिषद का जो असली काम होता है, जो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी नहीं जानते हैं जिला परिषद आखिर होता क्या है, तो हम सारे युवा जो शिक्षित हैं सब मिलकर हर व्यक्ति को समझाते हैं इस बारे में। और इस बार जो पहले से जो होता आया है, बिहार प्लस बिहार भी लेते हैं और हम अपना क्षेत्र का भी जो विकास जो काम होता है उसको पूरा ईमानदारी से, जो हमारे प्रतिनिधि साहब है गब्बर जी और धीरेन्द्र कुमार शाह, इनके द्वारा हर काम को करवाया जाएगा। और हम लोग इस बार युवा पूरा मूड बना लिए हैं कि कोई शिक्षित व्यक्ति को जो इस काम के लिए परफेक्ट है
जो अपना पैकेट तो मघविंदर जी क्या इसलाह हैं आपके हिसाब से? सर बिल्कुल है, पिछली बार भी लड़े हुए थे, इस बार भी पूरा युवा, पिछली बार कुछ युवा हम लोग पूरा समर्थन में थे, लेकिन इस बार पूरा युवा एक तरफा, हम लोग पूरा जो शिक्षित व्यक्ति है उनको चुनने के लिए पूरा मूड बना लिए हुए हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में हमारे समाज में वो है मघविंदर जी हैं, और पूरा सब युवा मिलकर पूरा हम इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। और ठीक है, और एक और युवा है, अपने बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। सुभाष जी, मघविंदर जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो ये जिस तरीके से इन्होंने अपना स्पीच दिया, बयान दिया, तो महिलाओं को और जो युवाओं को किस तरह ये समझाएंगे, और ये कितना आप लोग का इनको सहयोग मिल रहा है? हम लोग का फुल सपोर्ट है, हमारे जितना युवा है ना, हम लोग का संगठन है, इसमें पूरा युवा है और हमारे 6 पंचायत का युवा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको जो गरीब जनता का आवाज़ उठा सकते, तो ये मधुना जी हो गए। तो आप लोग का सहयोग जैसे इनको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे लोग हैं, इसलिए आप लोग का सहयोग मिल रहा है। तो चुनाव से पहले पूर्व में इन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया है, एक आध दो काम गिनाइए। समाज के लिए जो नल कल जो कल योजना होता है ये किए थे, जो सड़क बनाने का काम किए थे पंचायत समिति में यही आता है, और जो जिसके वृद्धा पेंशन में नहीं था इस सब का नाम दिलवाए थे, मतलब ये समाज सेवा जुड़े रहते हैं, इसीलिए आप लोग का सहयोग मिल रहा है। जी जी, सर हमारे जिला परिषद के अंतर्गत और भी इधर आइए सर, और भी कुछ युवा हैं, क्या क्या कहना है? जिला परिषद के अंतर्गत जो भी काम आता है, जो भी समस्या आएगी, जिला परिषद के अंतर्गत जो भी समस्या आएगी, जो भी मतलब काम होगा, उसको बखूबी मधुरेंद्र जी उर्फ गब्बर जी पूरा बखूबी से निभाएंगे। आप लोग पूरा विश्वास है? जी, मुझे पूरा विश्वास है, और इस बार हम लोग युवा भी पूरा मूड बना लिए हुए हैं, इस बार हमको इनका जीत दिलवाना है और हर हालत में दिलवाना है। तो ये थे एक युवा, इन्होंने ठान लिया है कि इनको जो है इस बार नैया इनका पार करा देना है, क्योंकि इनका सोशल वर्क जो है काफ़ी बेटर है, लोगों के दिल पे छाए हुए हैं। आइए, एक और लोग हम जानते हैं, इधर आइए, आगे आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बिलेश्वर पासवान सर। तो जैसे मघविंदर जी अभी फाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है इनको? बहुत सहयोग मिल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हर साल के भांति इनको वोट किए और करे और काम करे, और बिना किए कहे हुए भी काम करते हैं हमेशा, इसलिए आप लोग इनको लाइक कर रहे हैं। जी जी सर, और हम चाहते हैं तहे दिल से कि इनको डिग्री हो, जो हमारे समाज में और ग्राम में सारे जगह काम करे। जी सर, तो ठीक है, और भी लोग हैं कि इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? नाम हुआ सुनील पासवान। सुनील जी, मघविंदर जी जो अभी जिला परिषद में लड़ रहे हैं, तो समाज में इनका जो रुचि है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत समाज सेवा करते हैं, लोग सुख दुख में आते जाते हैं, आपका क्या ख्याल है? वो तो सब जगह जाता ही है वो। आपका क्या नाम है? केशव जी, मघविंदर जी के बारे में कुछ बताइए, इन्होंने समाज के लिए कितना काम करते हैं, आप लोग का सहयोग इनको क्यों मिल रहा है? तो इससे पहले मघविंदर जी पंचायत समिति रह चुके हैं, पूर्व पंचायत समिति बराही का जी, और बहुत जनता का वो नाला, रोड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास बहुत पास करवाए हुए हैं, और बराही का जनता चाहते हैं कि मघविंदर जी फिर से आए जिला परिषद में, और अगले बेर पूर्व बेर पंचायत जिला परिषद में लड़े थे तो 250-300 वोट से पीछे चले गए थे, लेकिन हम की बार युवा चाह रहे हैं कि मघविंदर जी फिर से आए सामने और जनता को सेवा करें। तो आप लोगों का ये कहना है कि मघविंदर जी जो 250-300 वोट से पीछे रह गए थे, आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, इस बार इनकी नैया पार करा देने का आप लोगों का फुल इरादा है? फुल इरादा।